दोस्तों बनाइए इस दीपावली बिना खोए की ये शानदार मिठाई, जो आप देखते ही बनाओगे और सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये देखिए मिठाई कितने लाजवाब है, वो भी बिना कोई खर्चा में, घर में घर के सामान से आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी, गणेश भगवान और माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाए हैं, इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच देसी घी। दोस्तों देसी घी से ही बनाएंगे, तो 4 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनते हैं दोस्तों, आपको लगेगा नहीं कि ये बिना खोए से बनाए हैं। और जो सामान घर में मिल जाते हैं उसी से हम बनाएंगे। तो देखिए 4 चम्मच घी डाल दिए हैं, और ये देखिए कटोरी लिया है हमने सूजी, सूजी से ही बनाएंगे कि सभी लोग बना सकते हैं आसानी से, हर किसी के घर में जो भी आपके गांव में दुकान में मिल जाए सूजी उसी से आप बना लीजिए। और बेसन से भी बना सकते हैं, बेसन से भी मैंने लड्डू बनाया है दोस्तों, लेकिन ये मैं कम खर्चों में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप इससे भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं हर किसी के घर में सभी सामान पर्याप्त होता है, तो इसलिए बिना कोई खर्चे बिना कोई झंझट में आप आसानी से दीपावली मिठाइयों के साथ मना सकते हैं। तो देखिए सूजी को हमें बहुत अच्छी तरह भून लेना है, पका लेना है। ये देखिए दानेदार लगे, लेकिन स्लो आंच पे पकाएंगे और चलाते रहेंगे, हमको कलर नहीं चेंज करना है। अब जितना सूजी लेंगे उसके 1.5 गुना दूध लेंगे दोस्तों। पहले गैस स्लो करके इसको अच्छी तरह मिलाएंगे, सूजी जल्दी से सोख लेता है सारे दूध या पानी को। और जिन लोगों के पास दूध नहीं है वो पानी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन और ये देखिए आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं मलाई डाल रही हूँ। मलाई से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है दोस्तों, आधा कटोरी मलाई, ये दूध का जो ऊपर का निकलता है उसी वही मलाई मैंने जमा करके रखा है, आधा कटोरी मैं इसी में डाल दी हूँ। अब इसे डो की तरह होने देंगे, जल्दी से हो जाते हैं दोस्तों, 2 मिनट ही भी नहीं लगेंगे और ये गाढ़ी हो जाएगी। देखिए अब ये गाढ़ी कितनी जल्दी हो गई है, तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। याद रखिए हमने अभी शक्कर ऐड नहीं किया है, बस इसको मिलाते रहेंगे। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा तब हम गैस बंद कर देंगे। बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं दोस्तों, और आप यकीन नहीं मानिएगा ये 1 कप सूजी से हम कितने सारे मिठाइयाँ बनाएंगे। और ये आपको खाने के बाद नहीं लगेगा कि ये बिना खोए की मिठाई है दोस्तों, बहुत टेस्टी लगते हैं। दुकानदार भी जो मिठाई बनाते हैं उसमें सूजी मैदा फेंट देते हैं दोस्तों, आप लोगों को लगता है कि वो सिर्फ़ खोए का मिठाई है। और दीपावली में तो खास करके बहुत ही मिलावटी बनता है दोस्तों, तो मिलावटी से अपने बच्चों को रखे दूर और घर में बनाए शुद्ध स्वस्थ। तो देखिए ये डो की तरह हो गया है, देखिए ये कढ़ाई एकदम छोड़ चुका है, तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। निकाल के इसको फैला के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम जितना सूजी लिए हैं उतना 1 कप चीनी मिक्सी के जार में पीस के तैयार करते हैं दोस्तों। देखिए पहले तो हम इसे ऐसे ही मस लेंगे, घी के कारण देखिए आपको घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चीनी रख रहे हैं, देखिए पीस लिए हैं 1 कप चीनी, और ठंडा होने के बाद रखिएगा चीनी दोस्तों, नहीं तो ये गीला गीला हो जाएगा। अब हम इस डो में चीनी को मिला देंगे। चीनी हम कढ़ाई में रख सकते थे दोस्तों, लेकिन उससे कलर चेंज होने लगता है बहुत ही, इसीलिए हमने नहीं रखा। देखिए सभी को मिला लिए अच्छी तरह। अब मैं पहले इसकी मिठाइयाँ बनाती हूँ, देखिए सेफ अपने हिसाब से रखे। सुपर टेस्टी मिठाई बनेंगे दोस्तों,
ये देखिए ये नारियल का बूरा है दोस्तों, इसी में मैं कोट कर रही हूँ। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, देखिए अपने हिसाब से शेप रख सकते हो, इस तरह तरह दिखने में अच्छा लगता है। और ये बूरे पे हम कोट कर देंगे। इसी तरह जितना चाहिए हम बना लेते हैं। देखिए थोड़ा में हमने फूड कलर डाला है ऑरेंज, और थोड़ा वाइट कलर का है, तो हम इसे छोटे छोटे लड्डू के शेप में बनाएंगे कि गणेश जी महाराज को लड्डू बहुत पसंद है। जितनी तरह का आप चढ़ाएं, आप मोदक का शेप भी दे सकते हैं दोस्तों। और ये थोड़े से मैंने ये देखिए बर्फी बनाया है। ये तीनों एक ही चीज़ से है, लेकिन आपको लगेंगे नहीं, देखिए कितनी जल्दी कितनी शानदार मिठाई तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह बनाइए और खाइए, भगवान को चढ़ाइए और अपने बच्चों को भी दीजिए। जो लोग नहीं चढ़ाते हैं वो भी अपने घर दीपावली मना सकते हैं मिठाइयों के साथ कम खर्चों में।